हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन। ये आपका सेक्शन बी का, ठीक है, सेक्शन बी का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम इस अब एक एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन वाला टॉपिक जो आपका, ठीक है, और इसके साथ में CCE बेस्ड जो है आपका वो भी पार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो इवैल्यूएशन होता क्या है, देखिए जो भी आपके स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं और मेज़रमेंट्स होती हैं कुछ, ठीक है, मेज़रमेंट और एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, ये सारा कुछ इवैल्यूएशन के अंदर आता है। ठीक है, पहले हम ये सारे टर्म अलग अलग यूज़ करते थे, लेकिन अब ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है किसी एक स्टूडेंट का, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए जो भी हम मेथड लगाते हैं वो सारा कुछ इवैल्यूएशन में आता है। ठीक है, मीन्स इसमें हम पूरे बच्चे की, स्टूडेंट की ग्रोथ देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका। ठीक है, हम उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या, उसमें क्या चेंज आया है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, पूरी स्टूडेंट की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी, उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कितने असाइनमेंट्स किए, टेस्ट कितने हुए, उसके यूनिट टेस्ट, ठीक है, असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम एक जजमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, जजमेंट फॉर्म करते हैं कि बच्चे ने कैसा डेवलप किया, डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर, कितनी ग्रोथ हुई है उसके अंदर। उसके बाद लास्ट में एक डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, डिसीज़न लेते हैं उसके बच्चे के लिए। ठीक है, कि उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि उस बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना रहा है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए किसी बच्चे ने अपने साइंस टेस्ट में 60 मार्क्स अटेन किए। ठीक है, उसके 60 मार्क्स आए। अब देखिए ये एक मेज़रमेंट होगी हमारी, मीन्स देखिए जो 60 मार्क्स है ये एवरेज मार्क्स हैं कि बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू जजमेंट क्या थी कि 80 मार्क्स उस साइंस टेस्ट के लिए काफ़ी वो थे। ठीक है, मीन्स जो 80 थे वो वैल्यू जजमेंट है, मीन्स इतने तो आने चाहिए थे एवरेज स्कोर। ठीक है, जो 60 थे वो ओवरऑल उसके लिए काफ़ी नहीं था। ठीक है, तो ये जो आपका इवैल्यूएशन होता है मेज़रमेंट और वैल्यू जजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो बच्चे की जो पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इन सारी चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है। तो ये क्या होता है, चेंज इन टोटल बिहेवियर, बच्चे में टोटल चेंज कितना आया है। ठीक है, तो ये था इवैल्यूएशन। अब चलते हैं आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट है, इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ऑल द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, जो भी बच्चा लर्न कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, ये एक मेन होता है। ठीक है, सो द इवैल्यूएटर शुड मेक यूज़ ऑफ टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड वैल्यू जजमेंट टू गैदर कम्प्लीट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। तो जो भी ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, कोई भी, तो कोई भी इवैल्यूएटर होता है, वो क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इंटरव्यू करता है, उसको एक स्केल पर लेके आता है, ठीक है, उसको रेट करता है, ठीक है, चेकलिस्ट साइन करता है, वैल्यू जजमेंट देता है, जो भी उस बच्चे की सारी कंप्लीट नॉलेज है उसको गैदर करता है। ठीक है, जो भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की उनको गैदर करना। तो ये है, इन इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ऑल द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। सेकेंड है आपका, इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। देखो बच्चे का जो भी आपका क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो भी टोटल इसका डाटा है वो सारा कुछ इसमें सिस्टमेटिक वे में इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड, इवैल्यूएशन इज कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ नॉट सिंपली कंसर्न विद द एकेडमिक स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स बट विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ग्रोथ। देखो जी, इसमें इवैल्यूएशन में सिर्फ हम एकेडमिक ग्रोथ को ही नहीं लेते, ठीक है, उसके जो टेस्ट हुए हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है उसको ही नहीं लेते हैं, बल्कि जो भी जितनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, इन सब का जो टोटल ओवरऑल होता है, परफॉर्मेंस होता है, इन सब में लिया जाता है, विच इंक्लूड्स बोथ कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, फोर्थ है आपका, इवैल्यूएशन इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, जो इवैल्यूएशन है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको जस्ट एक बार हमने किया और इसको
छोड़ दिया, ठीक है, किसी टाइम पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम बच्चे का इवेल्यूशन होता रहता है, कॉन्टिन्यूस है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर क्लास और स्टेज ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं है एक क्लास में हमने इवेल्यूशन किया उसके बाद बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। ये हर एक क्लास में होता है, हर एजुकेशन के स्टेज पर होता है। इट इज़ टू बी कंडक्टेड कॉन्टिन्यूसली एज द स्टूडेंट पासिस फ्रॉम वन स्टेज और ग्रेड टू अनदर। जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तब तक उसका कॉन्टिन्यूसली इवेल्यूशन होता रहता है। फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, फ्रॉम वन स्कूल टू अदर, ठीक है। जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है, ठीक है। इट टाइम्स स्टार्ट्स एट द टाइम द चाइल्ड सीक्स एडमिशन इन अ पर्टिकुलर ग्रेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट इवेल्यूएशन। देखो, जब बच्चा किसी स्कूल में किसी पर्टिकुलर ग्रेड में एडमिशन लेता है तो उसका एक प्लेसमेंट इवेल्यूएशन होता है, ठीक है, कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी है। इट कॉन्टिन्यूज एज द चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। उसके बाद प्लेसमेंट इवेल्यूएशन के बाद, जो प्लेसमेंट इवेल्यूएशन है वो एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन होता है, मीन्स जब बच्चे का एडमिशन हो रहा होता है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द स्टडी, उसका फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन भी होता है। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और यूनिट उसका समेटिव इवेल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पर्टिकुलर ग्रेड, ठीक है। किसी ग्रेड के कोई भी क्लास में बच्चा है उसके एंड पर जाके जो टेस्ट होता है वो है समेटिव असेसमेंट, ठीक है, ओवरऑल इवेल्यूएशन, ठीक है। तो इसमें हमने चार इवेल्यूएशन पढ़े, प्लेसमेंट इवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन और समेटिव असेसमेंट इवेल्यूएशन, ठीक है। फिफ्थ है, इवेल्यूएशन रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन अ केयरफुल मैनर। जो इवेल्यूएशन है इसको एक डाटा चाहिए होता है, ठीक है, बिल्कुल जो भी केयरफुली मैनर से देखा जाए, ठीक है, जो भी बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसको इन सब का डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सिक्स्थ, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग जजमेंट। इसमें हम जजमेंट फॉर्म करते हैं किसी बच्चे के लिए, उसके लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है, किसकी प्रोग्रेस कितनी है, उसको किसी चीज़ में क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है, और उसको करेक्टिव मेज़र उनको कैसे ठीक किया जाए ताकि उसकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। सेवन्थ, इट इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ ऑल द टीचिंग लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिहेवियर चेंज। ये एक तरह का असेसमेंट होता है जिसमें पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो आउटकम है, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है उसके चेंज में उसका बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल। सो इट गोज बियॉन्ड द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स टू कवर स्किल एप्लीकेशन इंटरेस्ट एटीट्यूड एंड अप्रिशिएशन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती है। सो देयरफॉर एरिया एंड फील्ड ऑफ टेस्टिंग द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग दिस न्यू टर्म। तो जो इवेल्यूएशन है, हमने इवेल्यूएशन की टर्म को क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहे हैं बच्चे का, कॉग्निटिव एज वेल एज कॉग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव, ठीक है। सो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। सो इसके करेक्टरिस्टिक क्या थे, ऑल मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है, मीन्स उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। सिस्टमेटिक कलेक्शन मीन्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। थर्ड, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। फोर्थ, इट इज़ कॉन्टिन्यूस। फिफ्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन अ केयरफुल मैनर। सिक्स्थ, फॉर्मिंग जजमेंट प्लस टेकिंग डिसीजन, और उसके मेजर्स भी, रेमेडियल मेजर भी करना, ठीक है, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। फिर लास्ट है असेसमेंट ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। तो भी जितनी भी सारी टीचिंग लर्निंग हुई है उसका क्या रिजल्ट आया है उसकी असेसमेंट करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इवेल्यूएशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।